Hi. मैं भी एक प्रिंसेस हूँ। एक मिनट, क्या? हाँ, मैं प्रिंसेस वेनेलोपी 2/4 चेचरी गली से चंदू हलवाई की दुकान के सामने से मेरा देश शुरू होता है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो शर्म आपको आनी चाहिए। अच्छा, किस तरह की प्रिंसेस हो तुम? किस तरह मतलब? क्या तुम्हारे पास जादुई बाल है? नहीं। जादुई हाथ? नहीं। जानवरों से बातें कर सकती हो? नहीं। तुम जहरीली हो? नहीं। शॉपिंग हो? नहीं। तुम्हें दासी बनाया गया है? इतने सारे सवाल पूछ के मेरा आधार कार्ड बनवाओगी? तक तो मुझे लगता है तुम्हारी समुद्री चुड़ैल के साथ डील हुई है, जो पानी के अंदर अपनी आवाज के बदले एक्सचेंज ऑफर में पैर ले लेती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कौन करता है? कभी तुमने अपने सच्चे पैर को किस किया है? जी नहीं। पापा और तुम्हारी बनती है? मेरे पास तो माँ भी नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। और आप सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हो जाता है? हाँ, हमेशा ऐसा होता है। ये तो सच में एक प्रिंसेस है। ये लहंगा किसने बनाया है? ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सरोजनी मार्केट से है। काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रेस। मुझे भी एक ऐसी ड्रेस चाहिए। सरोजनी.com से मंगवाते हैं। हम सब प्रिंसेस प्रिंसेस वेनेलोपी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया के सारे बेहतरीन ड्रेसेस होते हुए भी मैं कभी ये पहनूंगी। कहाँ से है ये? हाँ, सरोजिनी मार्केट से। सरोजिनी के कपड़ों ने सच किया। वो, 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 ये गाना गाने का क्या चक्कर है? एरियल गाना गा रही है। हाँ, लेकिन सडनली स्पॉटलाइट आ गई और पीछे से म्यूजिक बजने, ये सब तुमने भी देखा ना? ये तब होता है जब एक प्रिंसेस अपने सपनों को गाकर सुनाती है। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, मेरा मतलब एक बार भी नहीं। एक बार कोशिश तो करो, जो तुम चाहती हो उसके बारे में सोचो और गाना शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं। Oh, steering wheel, चाहे मेरा दिल एक steering wheel. Do-do-do-boop, wow. अच्छा, इसका मतलब कुछ बात तो है। तो इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे क्या राज है, बताओगी? हाँ, ओ नहीं नहीं, इसके पीछे कोई राज नहीं है, मुझे बस एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए। पर शायद मेरा सुर थोड़ा बेसुरा था। शायद थोड़ा सा, पर एक तरीका है जिससे गाना हमारी अंतरात्मा से अपने आप बाहर आ सकता है। हम भी कभी कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन फिर पानी में परछाई देखते ही सुरीले हो जाते हैं। क्या? ओ हाँ, मैं तो कुएं को देखकर ही सुर लगा लेती हूँ। मैं समंदर को देख के, बकेट को देखकर, साबुन का झाग। रुको, तुम्हारा मतलब मैं कहीं भी पानी को घूरूं और पवित्र जल? अच्छा हाँ, समझ गई, पवित्र जल। तो अगर मैं इस पवित्र जल को देखकर सुर लगाऊंगी तो जादू से मैं अपने सपने के बारे में गाने लग जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं, मुझे तो ये अंधविश्वास लगता है। बस 5 मिनट में प्रिंसेस जी, 5 मिनट में कौन सी डिज्नी प्रिंसेस है प्रतियोगिता शुरू होगी। ओके, थैंक यू। चलो फिर से प्रिंसेस वाले गाउन्स पहनने पड़ेंगे। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई वेनेलोपी। तुम्हारा सुर भी लगेगा और तुम गाना भी गाओगी। नपोलियन का कंटिन्यू मचोरी लेंगा, किस सटेंगा खेल वेले टेंगरिंगा, पट्ट पट्ट झट कोरी टेंगा। ये क्या था? हमारे पल्ले भी नहीं पड़ता। इसके लिए सबटाइटल चाहिए, इसकी भाषा पर रिसर्च चल रहा है। अच्छा।